फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बंदर के बच्चे को बेचने के चक्कर में गीता कॉलोनी थाने की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहादरा जिला की गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में बंदर के बच्चे को बेचने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एक तरह का ट्रैप था, मकसद ऐसे लोगों को पकड़ना था जो ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। एनिमल लवर्स की टीम ने ये जाल बिछाया था बंदर का बच्चा बेचने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसके बाद गीता कॉलोनी थाने की टीम को बुलाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कराया था। पहला नाम राजू सैनी, जिसकी उम्र 55 वर्ष है। दूसरा शुभम, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। ये दोनों ही बाप बेटे हैं। तीसरा सौरभ शर्मा, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। इन तीनों को गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया, जहां इनसे पूछताछ की गई। वहीं हम बता दें कि बंदर के बच्चे को सोमवार रात वाइल्ड लाइफ की टीम के हवाले कर दिया गया था। एडवोकेट व एनिमल राइट एक्टिविस्ट निहारिका कश्यप ने बुधवार की दोपहर बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर वायरल के जरिए एक मैसेज मिला था और एक वीडियो मिला था कि कोई बंदर के बच्चे को बेचना चाह रहा है, जिसके बाद उनकी टीम हरकत में आई। टीम ने खरीदार बनकर आरोपियों से संपर्क किया। आरोपियों ने बंदर के बच्चे के लिए 4500 रुपये की मांग डील की, जिसके बाद 4000 रुपये में तय हो गई थी। बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग पे थी। सोमवार शाम 5 बजे बंदर के बच्चे को लेकर पैसे देने की बातें हुई थी, जिसके बाद आरोपियों को बंदर के साथ चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पहले से मौजूद थी और जिसने खरीदार बन के बात की थी वह आरोपियों के पास पहुंचा। जैसे ही बंदर उसने अपने कब्जे में लिया, वैसे ही पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं जानवरों के लिए काम करती हूं और मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं दिल्ली में। मेरे पास एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर हुआ कि ये जो बंदर है इसको 4000 रुपये में बेचा जा रहा है, और उसके बाद तुरंत ही मैंने अपनी टीम को उसके पीछे लगाया ताकि वो उससे रेट और सारी चीज़ों का सेटलमेंट करें और उसे बुलाएं, और पुलिस के थ्रू हमने उसको गीता कॉलोनी चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास अप्रीहेंड करा। वीडियो में देखा जा रहा है कि उसको बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाया गया है, उसका कलर किया गया है, वो क्यों किया गया? वो ताकि उसके प्राइस ज़्यादा मिल सकें, और शायद काफ़ी लोगों को ये लगे कि ये कोई दूसरा बंदर है, ये आम बंदर नहीं है, बट ये एक बिल्कुल नॉर्मल बेबी मंकी था जिसका साइंटिफिक नेम है रीसस मकाक, और ये एक नॉर्मल मंकी था। इसे अट्रैक्टिव या मे बी किसी दूसरे स्पीशीज का लगे, एग्जॉटिक लगे, क्वाइट पॉसिबल इसीलिए इसको कलर वगैरह किया गया था एंड टू गेट द बेस्ट प्राइस। अच्छा, इन लोगों के पास क्या और भी जानवर प्राप्त हुए हैं या ये पहले कितने जानवरों को ऐसे बेचे? कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, नहीं इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी आपने इसको एक ही उस बंदर था? हाँ जी, एक ही बंदर था हमारे। तो आपने इसको कैसे भी पकड़वाया, कैसे किया आपने? हमने जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो पहले हमारी टीम के एक लड़के ने इसको फ़ोन करा और इससे बात करी कि वो बंदर लेना चाहता है ये वाला, और ये तुरंत ही मान गया। पहले ये बहुत ज़्यादा रेट दे रहा था उसके बाद ये बंदर देने के लिए मान गया जो एक्यूज्ड है। फिर हमने इसे एक लोकेशन पे बुलाया कि हमें यहाँ पे ये मंकी चाहिए, और उसके बाद हमने उससे पहले ही वहाँ पे PCR को बुला रखा था क्योंकि पुलिस की ऑब्वियसली मदद चाहिए हमें इस केस में, और फिर पुलिस की ही मदद से, लोकल पुलिस की मदद से हमने मंकी को अपना कस्टडी में लिया और उसको अपने